खोते हुए मेरी बहन को इस तरीके से तुम नहीं ले जा सकते हो। और जवाब दिया, कि अब तक ग्वालों के घर जाकर और घी दूध मलाई खाई है, और वैसे ही धोखे में आई के तूने मेरी बहन चुराई है। अरे वैसे धोखे में आई के तूने मेरी बहन चुराई है। और हुकुम बोला, श्याम अरे आज रुकुम की क्षमता क्या, अरे आज रुकुम की क्षमता क्या, पोरण कौशल दिखलाना होते हुए तू मेरी बहन को इस तरीके से यहां से नहीं ले जा सकता है। जैसे ही पीछे से आवाज सुनी, श्याम सुंदर ने रथ खड़ा कर दिया। तो रुक्मणी जी कहने लगी, श्याम आप क्या कर रहे हैं, मेरे भैया के साथ में बहुत सेना है और आपके साथ तो कोई सेना भी नहीं है। शिशुपाल कितनी सेना लेके आया है, आप कैसे लड़ेंगे, आप यहां से चले। श्याम सुंदर कहने लगे, रुक्मणी जी क्या पागल हो गई हो, अरे एक योद्धा हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और मैं यहाँ से कायरों की भांति भाग जाऊं, लोग हमसे क्या कहेंगे। वाह प्रभु, प्रभु की लीला तो देखो। अभी अभी मथुरा में युद्ध हुआ, 18वीं बार मगध देश के राजा ने किया, वहां से पूरा युद्ध मैदान ही छोड़ के भाग गए, सबको खड़ा छोड़ दिया, अपने परिवारी जन को, और अकेले भाग गए। वहां ने चिंता नहीं की कि इतने बड़े युद्ध में अगर हम भाग के जाएंगे तो लोग हमसे कायर कहेंगे, वहां युद्ध मैदान छोड़ के चले गए। और यहाँ कहते हैं कि रुक्मणी जी एक योद्धा हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और मैं छोड़ के चला जाऊंगा। कौन पावे तेरो पार और प्रेम नंदिया की सदा उल्टी वह धारा। परमात्मा से जो प्रेम करता है मेरे भक्तों, भगवान केवल प्रेम को देखते हैं, दुनिया वालों को नहीं। दुनिया वाले हमसे क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं। मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे भक्तों आज श्याम सुंदर कहने लगे, रुक्मणी जी तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ से भाग के नहीं जा सकता। रुक्म आवाज लगा रहा है, श्याम और बलराम ने सारी सेना को परास्त किया, रुक्म को बंदी बनाया, बंदी ही नहीं उसको मारने जा रहे थे। सुदर्शन चक्र को जो ही निकाला, रुक्मणी जी सामने आ गई और हाथ जोड़ करके बोली, नहीं भैया ये क्या कर रहे हो। और कहने लगी, मर जावे मेरो ब्रात और तमन दाग मेरे लग जावे रे, अरे मर जावे मेरो ब्रात के दामन दाग मेरे
में हे श्याम, अगर मेरी शादी पर मेरा भैया मारा जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी जन्म जन्म के लिए मुझे लोग दोषी ठहराएंगे। जब जब मैं मायके में आऊंगी, संग की सहेलियां कहेंगी ऐसी शादी वाली हुई थी जो अपने विवाह में अपना भैया मरवा दिया। मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी श्याम, इसलिए मेरे भैया को मत मारो। और रो करके कहने लगी रुक्मणी, नाथ भैया चाहे कितना भी बैरी हो, कितना भी दुश्मन हो, क्रूर हो, लेकिन बहन के लिए तो भाई है। बहन कभी अपने भैया के लिए बुरा नहीं चाहेगी। मेरा विवाह अगर हो सके तो श्याम मेरी मदद करो, और ना हो सके तो मेरी मदद ना करो, पर मेरे भैया को मत मारो। और बोली है रुक्मणी, मेरे भैया
रुक्मणी जी श्याम सुंदर से कहने लगी, हे श्याम, अगर मेरा भैया मेरी शादी पर मारा गया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। इसी बीच में ये भाई पंकज नगरिया से ये नोटों के हार से सम्मानित कर रहे हैं, भगवान इनको